गाजीपुर के पहलवानपुर गांव में पिछड़ा सम्मान सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को दर्द है कि अगर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इनके लूट का पूरा माल बरामद कर गरीबों को झोली में डाल देंगे। आज जो लोग घूम रहे हैं, आजकल बहुत सारे भ्रष्टाचारी जमानत पर घूम रहे हैं और सारे एक हो गए हैं कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है। नेता गठबंधन में दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जनता के मन में एक ही बात है, हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। गाजीपुर में आदरणीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जहां विकास की एक गंगा बहुत तीव्र गति से बही है, चतुर्दिक विकास हुआ है, बहुमुखी विकास हुआ है, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी गाजीपुर से लगा हुआ है। इसलिए लोगों के मन में यह भावना है कि काशी क्षेत्र की जो एक सीट पिछली बार संगठनात्मक दृष्टि से अमेठी रह गई थी और गोरखपुर की एक सीट हमारी आजमगढ़ रह गई थी, इस बार अमेठी और आजमगढ़ में कमल खिलाते हुए गाजीपुर को 2014 से बड़े अंतर से जीतेंगे। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? महागठबंधन का भविष्य अंधकारमय है, स्वार्थ का भविष्य है और इस गठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं है। जनता ने इस गठबंधन को नकार दिया। नहीं, इसको सेटबैक के तौर पर नहीं, ये चुनाव आयोग का कोई फैसला होता है तो हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पर कुछ कहना होगा तो हमारा लीगल सेल जो है पार्टी का, वह आयोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन जो भी कहीं पर भी कोई ऐसा निर्णय आयोग करता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।